ऋचा चड्ढा को गलवान पर ट्वीट करना पड़ा भारी। लोगों के विरोध के बाद एक्ट्रेस ने माफी मांगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा हाल ही में अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल ऋचा ने अपने ट्विटर अकाउंट से साल 2020 की गलवान घटना पर एक ट्वीट किया था, जिस पर अब बवाल मच गया है। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ऋचा चड्ढा पर जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। चलिए अब इस खास रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 नवंबर को एक बयान में कहा था कि अगर सरकार आदेश दे तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK को वापस लेने के लिए तैयार है। ऐसे ही एक ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि गलवान हाई बोल रहा है। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट पर बवाल मच गया है। लोगों का कहना है कि भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीनी सेना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और ऋचा चड्ढा ने न सिर्फ उनकी बहादुरी का बल्कि देश की सेना का मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया पर तो ऋचा चड्ढा का मजाक उड़ ही रहा है, वहीं BJP नेता मनजिंदर सिंह ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट को शर्मनाक बताया है और कहा है कि इस तरह से हमारे सशस्त्र बलों का अपमान किया जाना सही नहीं है। मनजिंदर सिंह ने एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ऋचा चड्ढा को थर्ड ग्रेड की एक्ट्रेस बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चारों तरफ से हो रहे भारी विरोध के बाद ऋचा ने अपने ट्वीट को लेकर माफी मांगी है। एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरी मंशा कभी भी इतनी छोटी नहीं हो सकती है। यदि किसी विवाद में खींचे जा रहे हैं, तीन शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। साथ ही ये भी कहती हूं कि अनजाने में भी मेरे शब्दों से ये भावना पैदा हुई है तो मुझे दुख होगा। सेना में मेरे भाई हैं, वहीं मेरे अपने नाना जी भी फौज का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2020 गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में तनाव और घुल गया था। ऐसे में ऋचा के ट्वीट को इस घटना से ही जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।